नार्जो 50 प्रो 5G 6GB रैम 128GB स्टोरेज 21,999 रुपए, रियलमी 9 5G एसी अगेन 6GB रैम 128GB स्टोरेज आपको मिल जाएगा 20,000 रुपए में, यानी 2,000 रुपए सस्ता। एक तरफ है मीडियाटेक डिमेंसिटी 920 और दूसरी तरफ है स्नैपड्रैगन 778G। नार्जो 50 प्रो 5G सुपर एमोलेड डिस्प्ले ऑफर करता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन मिल जाएगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलेगा और साथ में कॉम्पैक्ट भी है और लाइट वेट भी। दोनों स्मार्टफोन प्लास्टिक फ्रेम प्लास्टिक बैक के साथ आता है, लेकिन नार्जो 50 प्रो 5G में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा रियलमी 9 5G एसी में पैंडा ग्लास का। डिजाइन मुझे रियलमी 9 5G एसी का बेटर लगा, लेकिन इन हैंड फील की अगर बात करूं जो साइज है वो मुझे नार्जो 50 प्रो 5G का ज्यादा अच्छा लगा। नार्जो 50 प्रो 5G कॉम्पैक्ट है, स्लिम है एंड साथ में वेट भी 18 ग्राम्स कम है रियलमी 9 5G एसी से। बट रियलमी 9 5G एसी ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट ऑफर करता है, यानी आप दो सिम कार्ड के साथ माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हो, लेकिन नार्जो 50 प्रो 5G में ओनली दो सिम कार्ड लगा सकते हो, नो माइक्रो एसडी कार्ड। एंड इस जो हैप्टिक फीडबैक है ना वो भी नार्जो 50 प्रो 5G का बेटर है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करो तो नार्जो 50 प्रो 5G डुअल स्टीरियो स्पीकर ऑफर करता है जो कि लाउड है एंड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। रियलमी 9 5G एसी सिंगल स्पीकर ऑफर करता है, क्वालिटी अच्छी है, लाउड भी है, लेकिन नार्जो 50 प्रो 5G ज्यादा लाउडर है एंड जो म्यूजिक का एक्सपीरियंस होगा वो भी बेटर होगा। डिस्प्ले की बात करो तो नार्जो 50 प्रो 5G 6.4 इंचेस का फुल एचडी प्लस 90Hz एमोलेड डिस्प्ले ऑफर करता है और रियलमी 9 5G एसी 6.6 इंचेस का फुल एचडी प्लस 144Hz एलसीडी डिस्प्ले। स्क्रॉलिंग के टाइम पे 144Hz के साथ रियलमी 9 5G एसी ज्यादा स्मूदर लगता है, लेकिन 90Hz एमोलेड डिस्प्ले के साथ मैंने नार्जो 50 प्रो 5G को ज्यादा एंजॉय किया और इसका डिस्प्ले ज्यादा ब्राइटर भी है। रियलमी 9 5G एसी में मिलेगा आपको 600 निट्स पीक ब्राइटनेस एंड नार्जो 50 प्रो 5G में 1000 निट्स। दोनों स्मार्टफोन का बैटरी मैंने फुल करके ये वीडियो शूट करना स्टार्ट किया, लेकिन अभी ऑलरेडी रियलमी 9 5G एसी में 1% बैटरी ड्रॉप हो गया। रियलमी 9 5G एसी में मैंने एंड्रॉइड 12 बेस्ड रियलमी आई 3.0 बेटा वर्जन इंस्टॉल कर रखा है। नार्जो 50 प्रो 5G में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 बेस्ड रियलमी आई 3.0 मिल जाएगा। सिक्योरिटी पैच नार्जो 50 प्रो 5G में जून का और रियलमी 9 5G एसी में अप्रैल का मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन मेरा 6GB रैम वेरियंट है, दोनों स्मार्टफोन में आप अप टू 5GB तक वर्चुअल रैम ऐड कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम दोनों स्मार्टफोन को रिबूट कर लेते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाएगा, लेकिन नार्जो 50 प्रो 5G में 8MP के वाइड एंगल लेंस के साथ एंड दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 16MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। तो रियलमी 9 5G एसी ने काफी ज्यादा टाइम ले लिया बूट होने में, 57 सेकंड्स, एंड गाइस नार्जो 50 प्रो 5G 34 सेकंड्स में बूट हो गया था, यानी 23 सेकंड्स पहले। अब गाइस हम ट्राई करेंगे दोनों स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर। नार्जो 50 प्रो 5G इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑफर करता है, रियलमी 9 5G एसी साइड माउंटेड। दोनों स्मार्टफोन में डिफरेंट टेक्नोलॉजी है तो दोनों के स्पीड को हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन दोनों स्मार्टफोन में आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा मैं दोनों स्मार्टफोन को एक साथ ट्राई करके आप लोगों को दिखा देता हूं। नार्जो 50 प्रो 5G का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी इंप्रेसिव लगा मुझे एंड स्पीड में ये रियलमी 9 5G एसी को एक्चुअली टक्कर दे रहा है, यानी दोनों स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम टाइम ले रहा है अनलॉक होने में। फेस अनलॉकिंग सिस्टम में भी दोनों स्मार्टफोन काफी क्लोज लग रहा है, जो हल्का सा डिफरेंस दिख रहा है वो एक्चुअली एनिमेशन की वजह से हो सकता है, क्योंकि एक तरफ है बीटा वर्जन रियलमी 9 5G एसी में और दूसरी तरफ नार्जो में स्टेबल रियलमी आई 3.0 है। अब हम स्टार्ट करेंगे स्पीड टेस्ट। सारे ऐप्स को मैंने बैकग्राउंड हटा दिया है, दोनों स्मार्टफोन को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया है। तो एक तरफ है मीडियाटेक डोमेसिटी 920 और दूसरी तरफ है स्नैपड्रैगन 778G। दोनों स्मार्टफोन मेरा 6GB रैम वेरियंट है, दोनों स्मार्टफोन के साथ मैंने 5GB वर्चुअल रैम ऐड कर दिया है। दोनों ही स्मार्टफोन में LPDDR4X रैम मिल जाएगा, स्टोरेज टाइप UFS 2.2, नार्जो 50 प्रो 5G 90Hz एंड रियलमी 9 5G एसी 144Hz पे मैंने सेट कर दिया है। डस सैम्पलिंग रेट की बात करूं तो नार्जो मिल जाएगा 360Hz एंड रियलमी 9 5G एसी में 240Hz। 20-21,000 रुपए प्राइस टैग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस मुझे मस्त लगा, गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा, अप टू द मार्क लगा, नो कंप्लेन। एंड BGMI ग्राफिक्स सेटिंग्स की अगर बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन में स्मूथ के साथ एक्सट्रीम, बैलेंस्ड के साथ अल्ट्रा, एचडी के साथ अल्ट्रा एंड HDR अल्ट्रा सेटिंग्स पे भी आप दोनों स्मार्टफोन में गेम एंजॉय करोगे। बट ओवरऑल मुझे स्लाइटली बेटर लगा रियलमी 9 5G एसी गेमिंग में। डे टू डे परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन फास्ट है, स्मूथ है, रिस्पॉन्सिव है, बट दोनों में कौन है ज्यादा क्विक चलिए देखते हैं।
स्पीड में दोनों स्मार्टफोन काफी क्लोज दिखा। इवन गेम्स में भी दोनों स्मार्टफोन के बीच में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। 5 में से 3 गेम नार्जो ने, 2 गेम रियलमी 9 5G इसी ने पहले लोड किया, BGMI एंड कॉल ऑफ ड्यूटी। एक दो ऐप आधा एक सेकंड पहले ओपन करके कोई भी विनर हो सकता है, लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में दोनों स्मार्टफोन के बीच में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब हम चेक कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन का रैम मैनेजमेंट मल्टीटास्किंग 6+5GB के साथ। इस दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस ओके था, लेकिन थोड़ा सा बेटर दिखा नार्जो 50 प्रो 5G। एक ऐप एक्स्ट्रा मैनेज कर लिया। सेम वाईफाई नेटवर्क से दोनों स्मार्टफोन कनेक्टेड है। चलिए चेक कर लेते हैं दोनों का अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड। तो रियलमी 9 5G SE का डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड दोनों ज्यादा दिख रहा है आपका। सेम वाईफाई नेटवर्क की वजह से हम दोनों स्मार्टफोन में प्ले स्टोर से 340 MB का गेम इंस्टॉल करेंगे बारी बारी से स्टॉपवॉच लगाकर। रियलमी 9 5G SE ने 55 सेकंड्स लिया गेम इंस्टॉल करने में, और सेम गेम को इंस्टॉल करने में 23 सेकंड्स ज्यादा लिया नार्जो 50 प्रो 5G, यानी 1 मिनट 23 सेकंड्स पे गेम इंस्टॉल किया। अब गाइस वीडियो रेंडरिंग टेस्ट, दोनों स्मार्टफोन में हम पावर डायरेक्टर ऐप की वजह से कुछ वीडियोस को एडिट करके देखेंगे दोनों स्मार्टफोन रेंडर करने में कितना टाइम लेता है। दोनों ही स्मार्टफोन में आप 4K वीडियोस एडिट कर सकते हो, लेकिन 4K पेड सर्विस है तो हम 1080p पे वीडियो एडिट करेंगे। बिट रेट बेटर क्वालिटी और फ्रेम रेट 60 FPS। Realme 9 5G SE काफी ज्यादा फास्ट लग रहा है, काफी तगड़ा लग रहा है परफॉर्मेंस इसका वीडियो एडिटिंग में। 4 मिनट 18 सेकंड्स 4 मिनट 18 सेकंड्स में टास्क कंप्लीट हो गया, एंड नार्जो 50 प्रो 5G ने अभी ओनली 45% टास्क कंप्लीट किया, यानी ऑलमोस्ट डबल टाइम लेने वाला है। रीड एंड राइट स्पीड की बात करूं तो रीड स्पीड रियलमी 9 5G SE का और राइट स्पीड नार्जो का ज्यादा दिख रहा है। यह है दोनों स्मार्टफोन का लेटेस्ट एंड्रॉइड स्कोर। CPU एंड GPU स्कोर दोनों ज्यादा दिख रहे हैं रियलमी 9 5G SE में, एंड टोटल स्कोर मोरलेस 29,000 ज्यादा आया है। यह है दोनों स्मार्टफोन का लेटेस्ट Geekbench 5 का स्कोर। सिंगल कोर का स्कोर नार्जो का और मल्टी कोर का रियलमी 9 5G SE का ज्यादा दिख रहा है। बट नोट करने वाली बात यह है कि सिंगल कोर के स्कोर के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों स्मार्टफोन काफी क्लोज है, लेकिन मल्टी कोर स्कोर में दोनों स्मार्टफोन के बीच में बड़ा डिफरेंस है। तो ओवरऑल स्कोर को देखते हुए रियलमी 9 5G SE विनर है। इनमें गाइस दोनों स्मार्टफोन में हम 15 मिनट का CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करके देखेंगे दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस, और साथ में फिर से हम टेम्परेचर भी नोट करेंगे। जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था दोनों स्मार्टफोन का बॉडी टेम्परेचर नोट किया था, मोरलेस सेम था 35 डिग्री के आसपास, एंड अभी नार्जो 50 प्रो 5G 43 डिग्री के आसपास दिख रहा है, एंड रियलमी 9 5G SE कभी मोरलेस सेम 43 डिग्री के आसपास दिख रहा है, यानी दोनों स्मार्टफोन में इतने सारे टेस्ट के बाद 8 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में परफॉर्मेंस की अगर बात करो तो सिंपली विनर है नार्जो 50 प्रो 5G 93% दिख रहा है परफॉर्मेंस, काफी स्टेबल, एंड रियलमी 9 5G SE में 80%। वीडियो के स्टार्ट में मैंने दोनों स्मार्टफोन का बैटरी फुल कर दिया था, एंड अभी इतने सारे टेस्ट के बाद 19% बैटरी ड्रॉप हुआ है रियलमी 9 5G SE में, एंड 16% नार्जो 50 प्रो 5G में। नार्जो के लिए आपको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, लेकिन साथ में आपको मिल रहा है AMOLED डिस्प्ले, बेटर स्पीकर, स्टेबल एंड्रॉइड 12 और साथ में बेटर बैटरी लाइफ भी। कैमरा भी मुझे नार्जो 50 प्रो 5G का स्लाइटली बेटर लगा ओवरऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए iPhone Unboxed।